Let me explain you the difference between an idiom and a proverb. Proverb क्या होता है? Proverb जो होता है ये एक दानिशमंदाना बात होती है जो पूरी दुनिया मानती है और पूरी दुनिया में उसी तरह होता है, ठीक है, जो पूरी दुनिया के लिए आम होती है, कॉमन होती है, और पूरी दुनिया की जो कॉन्सेप्ट या जो परसेप्शन है उसके बारे में वो सेम होती है। ये एक ऐसी अकल वाली बात होती है, ठीक है, और इसमें एक पैगाम भी होता है, एक मैसेज भी इसमें पड़ा हुआ होता है, और ये बहुत सिंपल भी होता है इडियम के मुकाबले में। इसे समझना आसान होता है, जब आप एक बार देख लोगे तो आप समझ जाते हो कि इसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर, टाइम वेट्स फॉर नन, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, तो इसमें ये एक ऐसी दानिशमंदाना बात है, एक ऐसी अकल वाली बात है जो सब लोग मानते हैं कि यस, वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता। और इसमें पैगाम क्या है कि हमारे लिए पैगाम है कि वक्त तो इंतजार नहीं करता और ये आप पे अब डिपेंड है कि आप वक्त को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, कैचेस या क्लचेस, दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ भूसे को कहते हैं, ठीक है। तो एक बंदा किसी डेस्परेट सिचुएशन में, किसी मायूसी की हालत में है, तो वो फिर कुछ कुछ ऐसी चीज़ों से सपोर्ट और हेल्प लेने की कोशिश करता है जो अमूमन उसे हेल्प नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बनी हुई होती है कि वो फिर उसकी मजबूरी होती है, वो अनइंटेंशनली वो हरकत करता है, ठीक है। वरना आप देख ले, डूबता हुआ आदमी एक बूसे के जरिए अपने आप को किस तरह बचा पाएगा, बचा सकता है, लेकिन अगर वो डूब रहा है तो फिर चाहे उसे कागज़ का टुकड़ा मिले, चाहे उसे कोई बूसा मिले या कोई भी जर्रा मिले, वो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा और उस वक्त उसकी ये सोच होगी कि शायद इससे मेरी तकलीफ कम हो जाए, लेकिन अमूमन इस तरह होता नहीं है। शायद मुमकिन हो कि उस सिचुएशन में उसकी वो तकलीफ थोड़ी कम हो, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता उस, ठीक है। तो इसमें ये मैसेज पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? अभी इडियम की तरफ आए, इडियम इट्स फॉर स्पेसिफिक पर्सन एंड टाइम। इडियम जो होता है ना, ये किसी खास मौके पे बोला जाता है, किसी खास बंदे के लिए बोला जाता है, किसी खास वक्त के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, और अक्सर शॉर्ट भी होता है, प्रोवर्ब से ये शॉर्टर इन द वर्ड्स होता है, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इसके वो कम होते हैं। तो इडियम किसी खास मौके पे किसी खास बंदे के लिए कहे जाते हैं, ठीक है। इसके साथ कोई दुनिया की जो आलमगीर हकीकत है, कोई दुनिया की जो फैक्ट्स है, वो इसके साथ मुंसलिक नहीं है। इससे हम दुनिया की जो हकीकत है उसके बारे में नहीं समझ सकते, इससे हम उसका नॉलेज नहीं हासिल कर सकते जिस तरह प्रोवर्ब से हम हासिल करते हैं। और इसमें यह भी है कि इसमें कोई मैसेज ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है, कोई अखलाकी मैसेज या कोई और पैगाम, कोई पॉजिटिव मैसेज इसमें मौजूद हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और एक और पॉइंट, मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड्स स्पोकन। जो अल्फाज इसमें होते हैं इडियम में, जो अल्फाज इसमें आ जाते हैं, तो उसकी जो लिटरल मीनिंग होती है वो बहुत मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, समझ गए। और इसे जब आप पहली बार देखोगे तो समझने में मुश्किल भी होता है इडियम को, और प्रोवर्ब इसके मुकाबले में जब आप प्रोवर्ब को देख ले तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो उसे, समझ रहे। अच्छा, मिसाल के तौर पर, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अभी कैट्स एंड डॉग्स की मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखें तो वो क्या होगा, कैट्स बिल्लियां एंड डॉग्स कुत्ते। तो रेनिंग और कैट्स एंड डॉग्स, इसका कोई रिलेशन बन रहा है? कुछ भी नहीं। और इसकी अगर हम
मीनिंग देख ले, जो सजेस्टिव मीनिंग है, जो इडियोमेटिक मीनिंग है, जिसको हम इडियम कहते हैं, जिस मकसद के लिए ये इस्तेमाल हुआ है, अगर हम उसे समझ ले तो वो है इट्स रेनिंग हैविली, मौसलाधार बारिश हो रही है। समझ गए? इट्स रेनिंग हैविली, तो इसकी जो मीनिंग है इडियोमेटिक वो क्या है? हैविली। समझ रहे हो? या इसको देखे, ही वॉज इन हॉट वाटर, ही वॉज इन हॉट वाटर। तो हॉट की अगर हम लिटरल मीनिंग देख ले, डिक्शनरी मीनिंग देख ले, तो वो क्या होगा? गर्म। और अगर वाटर की देख ले तो पानी, ही वॉज इन हॉट वाटर, वो गर्म पानी में था। अगर लफ्जी मीनिंग हम इसकी करें, लेकिन मैंने आपको बताया हम इडियोमेटिकली इसकी मीनिंग करेंगे, इडियोमेटिकली हम इसे समझेंगे। तो हॉट वाटर मीन मुसीबत, तकलीफ। ठीक है, तो ये तो इसमें था फर्क। अब एक और बात, एक पॉइंट जहन में रखे, कुछ प्रोवर्ब्स जो है वो हम इडियोमेटिकली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे प्रोवर्ब्स इडियम्स नहीं है, कुछ प्रोवर्ब्स ऐसे हैं जो इडियम्स भी होते हैं, हम उसको इडियम्स भी कह सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर एक प्रोवर्ब है जो इडियम भी हम उसे कह सकते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। देखें, इसमें एक मॉरल मैसेज भी, एक मैसेज भी इसमें पड़ा है, इसमें एक मैसेज भी पड़ा है, एक पैगाम भी है हमारे लिए। ठीक है, और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, ये एक आलमगीर सच्चाई भी है कि सेहत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और समझने में भी ये आसान है। तो ये सारे क्वालिटीज इसमें किस चीज़ के हैं? प्रोवर्ब्स के। ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी लिटरल मीनिंग की तरफ जाए तो हेल्थ सेहत, वेल्थ दौलत, तो इसके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं। समझ गए? क्योंकि हेल्थ एक अलग चीज़ है जो बॉडीली चीज़ है, जो बॉडी से रिलेटेड है, और वेल्थ एक अलग चीज़ है जो दौलत के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, असेट्स के साथ, माल के साथ, गाड़ी के साथ, इन चीज़ों के साथ रिलेटेड है। तो है ना फ़र्क? लेकिन इसमें जो मैसेज है वो प्रोवर्ब की तरह है, लेकिन इसमें एक मैसेज भी पड़ा है, ये समझने में भी आसान है, और एक ऐसी दानिशमंदाना बात है जो पूरे लोगों में कॉमन है, सब लोग मानते हैं कि हाँ सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए? थैंक यू, टेक केयर।